And subscribe and press the bell icon to never miss a video from two IITians. If R is equal to and X comma Y belong to whole numbers, X square plus Y square is equal to 100. Find the domain and range of this function of this relation R. Also write R in the roster form. तो पहले यार इसी को थोड़ा टैकल कर लेते हैं, y को अलग से बाहर निकाल लें, है ना। y square is equal to 100 minus x square, तो y is equal to plus minus 100 minus x square होगा। अब देखो यार, प्लस माइनस के बाद जो चीज लिखी हुई है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि इमेजिनरी तक हम लोग नहीं जा रहे हैं, y जो है हमारा होल नंबर है, तो हम लोग केवल पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। माइनस लगा देंगे तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हम लोग सिर्फ ये मानेंगे कि y इज इक्वल टू अंडर रूट, मतलब प्लस साइन ले लिया हम लोगों ने, चलो प्लस लिख ही देते हैं, अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब क्या करूं, एक्स और वाई की टेबल बना लो, एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू क्या हुआ, अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिमार्केटिंग लाइन है, इसे थोड़ा सा अलग कर रही है। और आप एग्जाम में क्या कर सकते थे, ये y इज इक्वल टू सीधे ये भी लिख सकते थे, क्लियरली y इज इक्वल टू ये, सिंस y बिलोंग्स टू w, सिर्फ इतनी लाइनें लिख दें, ये दो लाइंस लिख देते तो भी ये हो जाता, बट कोई बात नहीं। आप जानते हैं कि मैं हमेशा ज्यादा लिखना पसंद करता हूं ताकि सबको समझ में आए। तो चलिए, होल नंबर की बात कर रहे हैं, तो यार x को जीरो तो डाल ही सकते हैं, x को जीरो डालो तो अंडर रूट 100 आ जाएगा, यानी y अपना 10 आ जाएगा। ठीक है, वैसे प्लस माइनस 10 आता है इसके हिसाब से, है ना। तो जीरो और 10 यहां पे काम कर जाएगा, जीरो और माइनस 10 भी यहां पे काम कर जाएगा, लेकिन ये बोल रहे हैं x और y जो है वो होल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। फिर देखो, 1 डालोगे तो 100 माइनस 1 99 आएगा, तो अंडर रूट 99 तो यार होल नंबर नहीं होगा। उसी तरह 2 डालोगे तो अंडर रूट 96 आएगा, 3 डालोगे तो अंडर रूट 91 आएगा, 4 डालोगे तो अंडर रूट 84 आएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं y इज इक्वल टू 100 माइनस x स्क्वायर है, तो आप मान लो x को क्या डाल रहे हो, 4 डाल रहे हो, तो y इज इक्वल टू 100 माइनस 4 स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर होता है 16, तो 100 माइनस 16 हो जाएगा 84। तो यार ये तो होल नंबर है नहीं, अंडर रूट 7 कहीं ना, 12 इंटू 7 तो अंडर रूट 12 भी गड़बड़ होता है, अंडर रूट 7 भी इरेशनल होता है, तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, चलो 5 डालो, तो 5 डालोगे तो 5 स्क्वायर 25, 100 माइनस 25 हो जाएगा 75, ये भी किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता। चलो 6 डालो, 6 स्क्वायर हो गया 36, 100 माइनस 36 हो गया क्या 64, अरे वाह काम तो बन गया यहां पर, तो 6 अंडर रूट 64 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो जब आपने x इज इक्वल टू 6 डाला तो y इज इक्वल टू 8 आ गया। उसी तरह जब आप x इज इक्वल टू 8 डालोगे तो 8 स्क्वायर कितना हो जाता है 64, तो 100 माइनस 64 क्या हो जाएगा 36, सही है, तो अंडर रूट 36 क्या हो जाएगा 6। तो 0 डाला 10 आया, 6 डाला 8 आया, 8 डाला 6 आया, और फिर 10 डालोगे तो दोबारा 0 आ जाएगा। इसके बाद आप कुछ भी केसेस ट्राई करते रहिए, आपको और केसेस नहीं मिलेंगे जो इस इक्वेशन को और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे।
तो ये तो ऐसे ही है, मतलब ये करके दिखाने की भी जरूरत नहीं है। 1 से लेके 10 तक आप करके दिखाते रहोगे तो बहुत टाइम लगेगा, 1-2 करके दिखा दो, और बाकी ओरली भी कर सकते हैं बच्चे ये। आप 11th में है भाई, आगे IIT की तैयारी करनी है, आगे क्या अभी से ही करनी है तभी कुछ संभव है। तो थोड़ा सा मन में भी करना सीखते चलना होगा। जिनको नहीं करना IIT की तैयारी, वो अपना सब कुछ लिखे जैसे मैं लिख रहा हूं, है ना। चलिए अब ये हो गया, तो उसके बाद R इज इक्वल टू, अच्छा पहले इन्होंने डोमेन रेंज पूछा है, तो चलो रोस्टर फॉर्म वाली बात बाद में हो जाएगी। डोमेन इज इक्वल टू क्या है, 0, 6, 8, 10 खत्म। रेंज क्या हो जाएगी, 10, 8, 6, 0 खत्म, ठीक है। तो ये दोनों को रेड बक्सा मिलना चाहिए, मिलेगा, और ये लोग वो रेड बक्सा पहनेंगे। अब उसके बाद R को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो सब कुछ तो डोमेन रेंज जब पता ही कर लिया तो कुछ करना नहीं, बस जोड़ीदारी दिखानी है ना। इसको इससे चाहे इसको समझ लो कि यहां से कर रहे हैं, और 8, 6 और 10, 0 ये हो गया आपका जो R है, किसमें, रोस्टर फॉर्म में। सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ।